आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती गवर्नर जश्नदेव वर्मा ने हैदराबाद में गोल्फ कोर्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। खुले मैदान में गोल्फ कोर्ट्स कायम करने का दिया मशवरा। दीपावली के मौके पर आतिशबाजी से कई अफराद मुतासिर, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से कई मुतासरीन रुजू। मंडली से रुकन असेंबली हल्के कारवान कौसर मुहीउद्दीन ने इलाके का किया तफसीली दौरा, कई मसाइल का लिया जायजा। शमसाबाद एयरपोर्ट पर तकरीबन 7 करोड़ रुपये मालियाती ड्रग्स जब्त किए गए। DRI और एयरपोर्ट हकाम ने ड्रग्स मुंतकली को नाकाम बना दिया। मोमोज खाने से हुई खातून की मौत के बाद बिहार के मुलाजमीन गिरफ्तार। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना के गवर्नर जश्नदेव वर्मा ने हैदराबाद में गोल्फ कोर्स का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन के जिम्मेदारों को वो मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने बताया कि गोल्फ काफ़ी दिलचस्प खेल है जिसको नौजवानी को पार कर लेने वाले अफराद भी खेलते हुए अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि जहां भी खुले मैदान हैं वहां पर डंप यार्ड रखने की बजाय गोल्फ कोर्स कायम किए जाने चाहिए। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने मेड़चल में करोड़ों रुपये के तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद और इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत हर म्यूनसिपल्टी की तरक्की को मुमकिन बनाते हुए हर म्यूनसिपल्टी में शहरों के तामीरी काम करने के अलावा स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम करने के इकदाम कर रही है और हेल्थ सेंटर्स का क़याम अमल में लाए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन खान साज कौंसल महेंद्र रेड्डी, कलेक्टर गौतम और दीगर भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद में दीपावली के मौके पर की जाने वाली आतिशबाजी में कई अफराद पटाखों से मुतासिर हुए और जुमेरात की शाम से जुमे की अवलिन सातों तक शहर के मशहूर आंखों का दवाखाना सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से रुजू हुए और अपना इलाज करवाया। मस्कुरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि तकरीबन 50 अफराद जिनकी आंखों के करीब ज़ख्म आए हैं जो दवाखाने में शरीक किए गए, उनमें से 40 बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि 6 मरीज ज़ायद मुतासिर हैं और माँ बखी को मामूली ज़ख्म आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में दीपावली के मौके पर शहर की शाहराओं पर जुमेरात की शाम आतिशबाजी करने की वजह से कचरे का अंबार शाहराओं पर जमा हो गया, जिसको GHMC की साफ सफाई करने वाले वर्कर्स ने शहर के कई मुकामात गुलजार हाउस, कोठी, एबेट, सिद्दी अंबर बाज़ार, चिंतल बस्ती और दीगर मुकामात पर जुमे की सुबह साफ सफाई के इकदाम की और साफ सफाई करने वाले वर्कर्स ने बताया ज़्यादातर कचरा लक्ष्मी बम में रखे हुए अखबार के पेपर्स से निकला है। वाज़ेह कि हुकूमत और पुलिस की जानिब से शहरों पर आतिशबाजी पर पाबंदी आयद करने के बावजूद आतिशबाजी की गई।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقے کاروان کوثر محی الدین اپنے حلقے میں عوامی مسائل کی یکسوئی کو لے کر سرگرم ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے جوائنٹ کلکٹر، ایڈیشنل کلکٹر، ایم آر او، آر ڈی او اور جی ایچ ایم سی عہدیداروں کے ہمراہ سروے نمبر 166 اور 177 ابراہیم باغ کا تفصیلی دورہ کیا۔ واضح ہے کہ اس مقام پر کرسچن قبرستان کی اراضی مختص کرنے کے سلسلے میں یہ معائنہ کیا گیا۔ کوثر محی الدین کے ہمراہ مجلسی کارپوریٹر وجے زما کے علاوہ مقامی ابتدائی صدور و معتمدین اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ بعد ازاں مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ इधर नहीं पूछ रहे अपन, हिंदू की राइट को जो टच है उसमें से देवल के ऊपर है। वो का कलवट है ना, कलवट के वो साइड में भी एक दो एकड़ है, वो नंबर है। کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقے نام پلی محمد ماجد حسین نے کئی سالوں سے چلے آ رہے مسئلے کو حل کرتے ہوئے جامع مسجد ملے پلی کے ملگیات اور واش رومز کو دوبارہ بہتر تعمیر کرنے کے غرض سے سنگ بنیاد رکھا۔ اس سنگ بنیاد تقریب سے قبل شاپ اونرز سے بات کی گئی اور انہیں اعتماد میں لیا گیا۔ اس موقع پر مسجد کمیٹی کے ذمہ داران، شاپ اونر کے علاوہ مصلیان کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ مجلسی نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان بھی سنگ بنیاد تقریب میں موجود تھے۔ یہ بہت ہی مسرت کی بات ہے کہ ملے پلی جامع مسجد کا ایک بہت ہی دیرینہ مسئلہ، جس میں کہ ٹوائلٹ کی گندگی اور پھر باہر شاپس والوں کے لیے بھی اور آنے والے مسلیوں کے لیے بھی جتنی تکالیفیں تھیں، اللہ نے یہ کام یہاں کے ہمارے ایم ایل اے صاحب جناب ماجد حسین صاحب کے ذریعے سے، صدر صاحب کی ہدایت کے اوپر ماجد صاحب نے کافی محنتوں کے بعد تمام ملگی والوں سے بات کر کے اور تمام جو ہے کمیٹی کے ممبران سے اور یہاں کے مسلیان کی جو تکالیفیں تھیں اس تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ اس کا پرانا جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹرکچر کو جو ہے پورا توڑ کر ڈیمولش کر کے اس کو پھر سے نیا طرح سے بنایا جائے گا، اور انشاءاللہ پورے مسلیوں کی سہولت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ماجد بھائی سے جو کام لیا ہے یہ بہت ہی بڑا کام ہے، اور ہم تمام آپ کے شکر گزار ہیں، اور اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزاری کے بعد میں ہم صدر صاحب اور ماجد حسین صاحب کی بہت ہی شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہاں محلے والوں کی جو دیرینہ خواہش تھی اور جو دیرینہ ضرورت تھی اس ضرورت کی مکمل تکمیل فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جان مال میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام آپ سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ درگاہ حضرت سید شاہ عبد الوہاب غوری قادری المدنی المعروف چورنگ شاہ واقع رین بازار کا 233واں عرس شریف عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ نظام العمل کے مطابق 30 اکتوبر کو سندل مالی کی رسم ادا کی گئی، جبکہ 31 اکتوبر کو محفل سماع و تناول تبرک کا اہتمام کیا گیا۔ معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری اور مجلس رکن اسمبلی حلقہ یاخت پورہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ الحاج میر مقصود علی شاہ رضوی چشتی نے مراسم ادا کیے۔ اس موقع پر نعیم الدین افتخاری کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ مادانہ پیٹ بلدی ڈویژن ناتایا، یہاں حضرت سید عبد الوہاب صاحب قادری چورنگی شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور اس میں سالار ملا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ پابندی سے شرکت کرتے تھے، اور میں بھی یہاں پر پابندی سے آتا ہوں۔ یہاں کے سجاد صاحب ہمارے احمد علی صاحب کے صاحبزادے ہیں، سجادہ نشین، یہاں پر ان خدمت انجام دیتے ہیں۔
ये दरगाह बसा बुजुर्ग की दरगाह है, यहाँ के लोगों के दुआएं मुरादें पूरी होती हैं, बहुत सारी बारगाह से लोग आते हैं यहाँ पर और फातिहा देते हैं, दुआ करते हैं, नियाज करते हैं। एक खदीम बारगाह है और अरसे दराज से बड़े पैमाने पर यहाँ पर उसका अहतमाम होता है। 231वां उर्से शरीफ हजरत का, और यहाँ पर जो भी लोग आसानी से आवस्था होते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के वसीले से दुआ कबूल करते हैं। और हमारी पार्टी के इफ्तिखारी साहब यहाँ पे बहुत सरगर्म हैं, जमात के बहुत सारे लोग सरगर्म हैं और काफ़ी खिदमत अंजाम देते हैं। बलदिया की तरफ से सरकारी तौर पर जो खिदमत होते हैं हुकूमत से, नकवी मिलत बारिश सदरी साहब सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर होती है, एरिया कारपोरेटर MLA साहब, अभी जाफर हसन मेरा साहब रुकन असम्बली भी आके गए, नुमाइंदा कारपोरेटर भी इस हल्के के, उन्होंने भी आके शिरकत की। तेलंगाना नारकोटिक ब्यूरो के अहलकारों ने चंदनगर पुलिस स्टेशन के तहत मंशियात की पार्टी पर हमला किया जो खुफिया तौर पर चलाई जा रही थी। नारकोटिक्स अफसरान ने खुफिया इत्तला मिलने पर छापा मारा कि 6 अफराद MDMA मंशियात के साथ पार्टी कर रहे हैं। 6 मुलजमीन में से 5 मफरूर हैं और राजस्थान के कृष्णा राम 28 साल को चंदनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसे हिरासत में नहीं लिया गया। राजस्थान के बगोड़ा तालुका जलोरी ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम कृष्णा राम को गिरफ्तार किया गया। विखराबाद ज़िले के SP नारायण रेड्डी ने मीडिया को बताया कि विखराबाद मनापुरम गोल्ड लोन चोर पकड़ा गया और 83 ग्राम सोना 10 लाख नगद रकम जब्त करके उसे रिमांड में भेज दिया गया। विखराबाद मनापुरम गोल्ड लोन ब्रांच के मैनेजर विशाल जी ने बताया कि सोना चोरी हुआ था और उसकी तहकीकात शुरू की गई थी। हकाम ने बताया कि ग्राहकों के ज़रिए जमा करदा सोने की अशिया मनापुरम गोल्ड लोन विखराबाद ब्रांच में नहीं पाई गई। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की और ब्रांच मैनेजर ने शक की बुनियाद पर विशाल के खिलाफ शिकायत की थी। बिदर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला विशाल 2023 से विखराबाद ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है। उसने बताया कि मैनेजर विशाल, जिसने अपने रिश्तेदारों के नाम पर जाली ID लेकर उनके अकाउंट में रकम भेजी। विखराबाद मनापुरम गोल्ड लोन ब्रांच में सोना तकरीबन 2,20,00,000 का है। SP नारायण रेड्डी ने बताया कि जब विशाल को तहवील में लेकर उसके घर की तलाशी ली गई, उसमें से 83 ग्राम सोना और 10 लाख रुपए बरामद हुए। SP नारायण रेड्डी ने बताया कि नगद रकम जब्त करके तहवील में ले ली गई है। ఎవరిది కూడా ఎవరైతే మామూలుగా పబ్లిక్ సివిలియన్స్ ఉంటారు, ఎవరైతే మధుపుదారు ఉంటారు, వాళ్ళది ఒక రూపాయి కూడా దీంతో వాళ్ళు పోలేదు. సో ఎవరిది కూడా ప్లెడ్జ్ చేశారు, ఎవరైతే కస్టమర్స్ ప్లెడ్జ్ చేశారో వాళ్ళది ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. ఇది మొత్తం కూడా లోపలగా ఇంటర్నల్ ఆడిట్ టీం వీళ్ళు దాన్ని సరిగా చెక్ చేయకపోవడం వల్ల ఫస్ట్ నుంచి, సో వేరియస్ వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ ఆడిట్స్ రెగ్యులర్ గా ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఫస్ట్ లోనే దీన్ని చూసినట్టయితే మనకి ఇంతవరకు వచ్చేది కాదు. దాన్ని దాని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని అంటే ఏ రోజు అయితే వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ ఆడిట్ వస్తుందో ఆ రోజు ఏ ప్యాకెట్స్ చెక్ చేస్తారో అనేది ఇతని ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఆ ప్యాకెట్స్ లో ఆ సేఫ్ లో ఏదైతే వాళ్ళకి ఉంటుందో ఆ సేఫ్ లో ఇతని ప్యాకెట్స్ ఆల్రెడీ పెట్టేస్తారు. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కన్సర్న్ వాళ్ళు చూసుకునేందుకు
అట్లా వాళ్ళని మేనేజ్ చేసి వాళ్ళకు కూడా తెలియకుండా చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో దీంతో బేసికల్ గా ఇంటర్నల్ ఆడిట్ టీమ్ దాన్ని ఫస్ట్ లోనే వాళ్ళు కరెక్ట్ గా చూస్తే ఇది మనకు ఇంత వరకు వచ్చేది కాకుండా ఫస్ట్ లోనే అవాయిడ్ చేస్తున్నాం. అతను పొజిషన్ ఏదైతే మేనేజర్ గారు బ్యాంక్ ఇక్కడ మన్నాపురం ఫైనాన్స్ మేనేజర్ గా ఉంటే తన పొజిషన్ ని తను అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని మొత్తం మిస్అప్రోప్రియేట్ చేయడం అండ్ అమౌంట్ కూడా ఏదైతే ఉందో బిలో 2 లక్షల రూపీస్ ఏదైనా ఫ్లడ్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా క్యాష్ తీసుకుంటారు. అబౌట్ 2 లక్షలు ఉంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తన అకౌంట్ కు చేసుకుని ఇదంతా వాడు కూడా జరిగింది. వేరియస్ డేటాతో టెక్నికల్ డేటా కానీ అండ్ ఆడిటర్స్ వాళ్ళు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ ఇచ్చిన డేటా అంతా మనం ఈరోజు మార్నింగ్ మనకు ఖచ్చితమైన సమాచారం క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంతో వాళ్ళ విలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ మార్నింగ్ 3:45 మనం కస్టడీ తీసుకుంటాము. అతని మనం సర్చ్ చేసేటప్పుడు అతని ఇల్లు అతను ఇంకా సర్చ్ చేసినప్పుడు అతని దగ్గర నుంచి మనకు ఒక 83 గ్రామ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ 5 ప్యాకెట్స్ మనకు దీంతో అతను ఏదైతే మిస్ చేసినా ఇంటాక్ట్ గా దొరికింది. అండ్ అదే కాకుండా మనకు 10 లక్ష రూపీస్ క్యాష్ అతని దగ్గర నుంచి అతని బ్యాగ్ నుంచి మనం స్వాధీనం చేసుకుంటాం. సో ఈ 83 గ్రామ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ 10 లక్ష రూపీస్ క్యాష్ అంతా కూడా మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేద్దాం. దీంతో బిఎస్పి వికారాబాద్ యూనివర్సిటీ అండ్ బల్వంత్య సిఐసిసిఎస్ భీమ్ కుమార్ ఇన్స్పెక్టర్ వికారాబాద్ అండ్ రఘురామ్ దారూర్ అండ్ వాళ్ళ సిబ్బంది అంతా కూడా చాలా చక్కగా పనిచేసి దీన్ని ఛేదించి ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళ టీం అందరికీ కూడా ఒకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం. వాళ్ళందరికీ కూడా మేము రివార్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ناظرین اس خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر نظر ڈالیں گے ثنا احمد کے ساتھ. شہر میں دیپاولی کے موقع پر آتش بازی کے دوران جھلسنے کے 50 سے زائد کیسز ہاسپٹل سے رجوع ہوئے ہیں. سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں بتایا گیا ہے کہ رات دیر گئے تک 50 متاثرین کو لایا گیا تھا، ان میں سے 20 سے زائد بچے بتائے گئے ہیں. مجلس کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹرز سے ملاقات کی. ڈاکٹرز نے بتایا کہ رات میں تقریباً 18 کیسز آئے تھے، جس میں سے 14 سے 16 سال کی عمر کے بچے تھے جن کا فوری طور پر علاج کیا گیا، لیکن رات دیر گئے تک بھی متاثرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور اس کی تعداد 50 تک پہنچ گئی. ماجد حسین نے ڈاکٹرز کی ٹیم، ڈاکٹر سومیا، ڈاکٹر آفرین اور ڈاکٹر ابراہیم کی خدمات کو خراج پیش کیا. انہوں نے بتایا کہ متاثرین کے علاج کے لیے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل کا عملہ پوری طرح سے متحرک ہے. سروجنی کے ڈاکٹرز بھی جمعے کی صبح تک متاثرین کے علاج میں مصروف رہے. آج دیپاولی کا دن ہے اور ہر سال دیپاولی میں ایک پیشنٹس آتے ہیں سروجنی دیوی آئی ہاسپٹلس کو، جو فائر کریکر سے یا جلنے کی وجہ سے یا آنکھ کے ڈیمیج جس کے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ سروجنی دیوی میں آتے ہیں. تو آج صبح سے میں سپرنٹنڈنٹ صاحب سے ٹچ میں تھا اور ایک بڑا کام یہ ہے کہ آج سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں آج اب 10 بج رہے ہیں، قریباً ابھی تک 18 کیسز آئے ہیں اور ایک کمیٹیڈ ڈاکٹرز کی ٹیم سروجنی میں خدمت کے لیے یہاں پہ ریڈی ہے. وہ بھی دیکھنے میں یہاں پہ آیا تھا، قریباً ابھی تک 18 کیسز آئے تھے اور 18 کے 18 کے کیسز کو یہاں کے ونڈرفل ڈاکٹرز کی ٹیم نے دیکھا، ان کو معائنہ کیا اور اس میں سے ایک سیریس انجری ہے جس کو ابھی ایڈمٹ کیا جائے گا. ایسے اور کیسز آئیں گے. سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں آپ عوام کی خدمت میں آج سرجن بھی موجود ہے، انستھیشیس بھی موجود ہے، اگر کوئی ایکسٹریم کیسز بھی آتا ہے تو امیڈیٹ طور پہ اگر کسی کی سرجری ہونا ہے تو وہ بھی ہے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں فوری طور پہ ہوگی. ڈاکٹرز آج جو کوالیفائڈ اور کمیٹیڈ ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ موجود رہیں گے اور اگر کچھ بھی قسم کا کیس آئے گا تو 24 گھنٹے پوری رات بھر تیار ہے کوئی بھی کیس کو ہینڈل کرنے کے لیے.
मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सरोजनी देवी आयुष हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स का जिन्होंने एक कमिटेड तौर पे यहाँ पर रहते हुए आवाम की खिदमत को देखा, जिसमें हर किस्म से डॉक्टर्स है। डॉक्टर सोमिया यहाँ पे मौजूद है जो दीपावली उनके घर में भी है, मगर उसको छोड़ते हुए वो आज आवाम की खिदमत के लिए, डॉक्टर आफरीन है, डॉक्टर इब्राहिम साहब है, हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर साहब है, पूरे तौर पे यहाँ पर है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर कोई भी ऐसा हादसा होता है तो आवाम की खिदमत करने के लिए हम पूरी तौर पे तैयार है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इब्राहिम हूँ, यहाँ पर आर एम आर टू के जो वर्क कर रहा हूँ, वहाँ पे सबको दीपावली के मुबारकबाद देता हूँ। आज का 18 केसेस अब तक आए हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, इसलिए जो बच्चे जला रहे हैं वो ये हिफाजत करें कि बड़ों के निगरानी में पटाखे जलाएँ और जलाएँ जब आइनक वगैरह पहने और ओपन स्पेसेस में जलाएं, और अगर गफलतन जल गया तो फौरन पानी डालकर नज़दीकी अस्पताल लेकर जाएं और हिफाजत के तौर से दीपावली मनाकर सबको रिवाइव होंगे। 18 में सिर्फ एक इमरजेंसी सीरियस केस है जो एडमिट किया गया, बाकी के 17 ओपी बेसिस पर ट्रीट करके चले गए हैं। तकरीबन बच्चे 10 साल के अंदर के हैं, तकरीबन उसमें ज़्यादातर बच्चे 10 साल के अंदर के हैं, एक दो बच्चे 15 या 16 साल के। मैं आज दिवाली ड्यूटी सरोजिनी हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिवाली ड्यूटी पे, डॉक्टर आफरीन खादर। अभी तक हम जो देख रहे हैं 18 केसेस आ चुके हैं और उसमें से 12 से 14 केसेस बच्चों के ही है, 10 से 12 साल के बीच में, और इंजरी ऐसी हो रही है कि वो बच्चों के साथ कोई माँ बाप नहीं थे, कोई देखने वाले बड़े नहीं थे, तो उसकी वजह से पटाखा क्यों नहीं जल रहा है बोल के वो लोग देखने गए तो एकदम पटाखा फूट गया और आंख पे आके लगा। और जितने बड़े लोग भी आ रहे हैं हमारे पास, गाड़ी पे जा रहे थे या चल ले के जा रहे थे या ठहर के देख रहे थे किसी को पटाखा जलाते हुए, तो एकदम पटाखा के आंख पे लगा। तो मेरा मैसेज ये है, एडवाइस ये है सबके लिए, आवाम के लिए, कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को बिना सुपरविजन के पटाखे जलाने नहीं देना चाहिए। जितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं उसमें से मोस्टली बच्चे ही हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं, हमारे पास इमरजेंसी ओटी भी अवेलेबल है जिसके लिए ज़रूरी है ऑपरेशन, उनको तुरंत फौरन ओटी शिफ्ट करके उनका अभी ऑपरेशन कर दिया जाएगा। अभी केसेस बढ़ने का ही लग रहा है क्योंकि आते जा रहे टाइम जैसे हो रहा है सुबह तक, फिर भी यही होप है कि ये अवेयरनेस की वजह से थोड़े केसेस इमरजेंसीज कम होने लगे। दीपावली के सिलसिले में चारमीनार के आसपास के इलाकों और मक्का मस्जिद के पास जुमे को पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। जुमे के पेश नज़र मक्का मस्जिद के पास भी पुलिस चौकस नजर आई। चारमीनार के पास मंदिर में जुमेरात की रात से ही भक्तों का हुजूम देखा गया और जुमे की सुबह भी बड़ी तादाद में दूर दराज के इलाकों से भक्त मंदिर के दर्शन के लिए जमा हुए। पुलिस ने चारमीनार के आसपास के इलाकों में भी वसीतर बंदोबस्त किया था। पुलिस के आला हुक्काम ने इंतजाम की निगरानी की। दीपावली के मौके पर ड्रग्स मुंतकली करने की बड़ी कोशिश को DRI हुकाम और हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक बैंकॉक से आए दो मुसाफिरों के सामान की तलाशी लेने पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। तलाशी पर केलॉस चॉकलेट के पैकेट से 13 पैकेट बरामद हुए। बताया गया है कि इन पैकेट्स में मंशियात थी। मुसाफिरों को तहवील में ले लिया गया है और उनके खिलाफ NDPC एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की जा रही है। दोनों मुलजिमीन को अदालत में पेश किए जाने की इत्तला भी मिली है।
बंजर हिल्स के हदूद में तेज रफ्तार लग्जरी कार केबीआर पार्क की बाउंड्री वॉल से टकरा गई। इस हादसे के बाद कीमती कार का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि ड्राइवर नशे की हालत में था और दीवार से कार टकराने के बाद फरार हो गया। ताहम इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कीमती कार को गैर मामूली नुकसान हुआ है। बंजारा हिल्स पुलिस कार ड्राइवर का पता चलाने की कोशिश कर रही है। बंजारा हिल्स पुलिस ने मोमोज खाने से खातून की हुई मौत के सिलसिले में मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बिहार के साकिनान अलमास, साजिद हुसैन, रईस, शाहरुख, हनीफ और राजब को गिरफ्तार किया गया है। वाज़िर है कि 28 अक्टूबर को बंजारा हिल्स के हदूद में सड़क के किनारे वाक़े एक दुकान से मोमोज खाने के बाद कई लोग मुतासर हुए थे और इसमें रेशमा नामी खातून जाँ बहक हो गई थी। ये मोमोज अरमान फूड स्टॉल से खरीद कर खाए गए थे और इसके मालिक साजिद, शाहरुख और दूसरे बताए गए हैं। वाज़िर है कि इस वाक़े के बाद तेलंगाना हुकूमत ने मायूनीस की तैयारी और फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी है। नारी रिव्यू न्यूज़ की दीगर खबरों पर सना अहमर के साथ एक सरसरी नज़र डालेंगे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासती गवर्नर जश्नदेव वर्मा ने हैदराबाद में गोल्फ कोर्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। खुले मैदान में गोल्फ कोर्ट्स कायम करने का दिया मशवरा। दीपावली के मौके पर आतिशबाजी से कई अफराद मुतासिर। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से कई मुतासरीन रुजू। मंजली से रुकने संभली हल्के कारवान कौसर मुहियुद्दीन ने इलाके का किया तफसीली दौरा। कई मसाइल का लिया जायजा।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए मालियाती ड्रग्स जब्त किए गए। DRI और एयरपोर्ट हकाम ने ड्रग्स मुंतकली को नाकाम बना दिया। मोमोज खाने से हुई खातून की मौत के बाद बिहार के मुलाजमीन गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म पसी होती हैं। रियासती कौमी और बैन अल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।